मैं क्या बोला, एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो गई। और आज है सैटरडे तो लेट उठे हैं क्योंकि जान को नहीं जाना था, आज जान की छुट्टी होती है। तो मैं कहा चलो हम भी थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं, थोड़ी सी नींद पूरी कर लेते हैं। तो भाई अब उठ गए हैं और अब अपना जो है आज दिन स्टार्ट करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं, रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो चले जी सफाई, पहले हम करते हैं अपनी सफाई, ठीक है। और सफाई करने के बाद फिर हम करेंगे चेंज, फिर मिलते हैं आपको दोबारा। सुनो सुनो सुनो, कहाँ अच्छी बात तो आज की ही नहीं, तो चलें अच्छी बात अपनी करते हैं स्टार्ट से, ठीक है। कि अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइश डालता है। तो उसके बाद अल्लाह ताला डालते हैं आजमाइश, तो निकालते भी तो हैं वही बेशक, और इतनी आजमाइश डालते हैं जितनी बंदा बर्दाश्त कर सकता है, जितनी उसमें बर्दाश्त होती है, क्योंकि वो तो गफूर रहीम है, उन्हें तो सब मालूम है। तो जी अल्लाह पे यकीन रखा करें, अल्लाह ताला सब बहुत अच्छा करा करेंगे इंशाल्लाह। और जी आ गए हैं मेरे शाहजादे साहबजादे, कब उठे आप? मम्मा को तो कुछ पता ही नहीं, अब नीचे चले गए थे। अच्छा चलें जी, अल्लाह चलें जी सफाई करके फिर मिलते हैं, खड़े होते हैं। करते हैं सफाई, होते हैं फारिग। और जी जनाब हो गई मैं फ्रेश, और सफाई वफाई भी कर ली है, बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और मैं अब जा रही हूँ नमाज पढ़ने, और नमाज से भी फ्री हो जाऊँगी तो अच्छा है, जल्दी आराम से इंसान पा रहे हैं तो पहले नमाज पढ़ ले फिर कोई और काम करें, क्योंकि जल्दी जल्दी नमाज से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आराम से नमाज पढ़ ले, क्योंकि बाबा सो रहे हैं और जयान तो उठ गए हैं, मतलब नीचे हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं नमाज कर लूँगी। और जी मैं दिखाती हूँ कि आज मैं बना रही हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कढ़ाई, जिसके लिए मैंने गोश्त बॉयल करने रख दिया है। देखें अब ये गोश्त हम अपना अधगला कर लेंगे, मतलब 50% गला लेंगे, ठीक है। तो जी मिलते हैं नमाज पढ़ने, फिर मिलते हैं। तो जी हो गए हम नमाज से भी फ्री, और अब चलते हैं चाय बनाते हैं। और मुझे जो है ना वो मम्मा की इतनी याद आ रही है, अपने घर की इतनी याद आ रही है। नखरे जो है ना वो सिर्फ माँ बाप ही उठा सकता है, बस मम्मा में उठती थी, मम्मा मुझे फ़ौरन है वो बैठी देती थी। अब जो है मुझे इतनी याद आई है उनकी, अपने घर आके जाहिर है अब बेटियाँ तो अपने घर की होती हैं ना, तो अब मुझे इतनी याद आ रही है कि सुबह उठती हूँ जान के लिए तो मतलब चाय मुझे खुद बनानी पड़ती है, जाहिर है अब अपने घर में तो खुद ही काम करना पड़ता है ना। तो मैं वहाँ भी मतलब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों में बहनों में ऐसी आदत थी कि हम लोग जो है वो अपने घर में जाके काम करते हैं, और ये नहीं कि हम अपने मायके गए तो हम बैठ जाएंगे, नहीं हम लोग मिल बांट के काम करते हैं। पर जैसे वहाँ फिर भी थोड़ा बहुत आराम हो, वहाँ थोड़ा बहुत आराम हो जाता है कि ना मतलब मम्मा फरा ये लोग चाय वाय पहले से बना के रख लेती थी, उठाती थी उठ जाओ, तो मुझे ये सब बहुत याद आ रहा है, मुझे बहुत याद आ रहा है। और अभी तक तो मैंने आपको पता चाय नहीं दी है, और अब चलते हैं बनाते हैं खुद चाय पीते हैं। अब होगी बैटरी, तो अब यहाँ की बैटरी जो है ना वो खुद बनाने वाली बैटरी होती है। मुझे मिस यू अलॉट, और इतने सारे मतलब मोमेंट्स थे जो आयशा एमन के साथ ज़्यादा होते थे, बहुत ही ज़्यादा होते थे। और अब ये सब जो है ना अभी मुझे बहुत याद आ रहा है, अभी मैं इतने टाइम रह के आई हूँ ना, तो मुझे इतना
हाँ याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग हो जाती है, हो जाएगी इंशाल्लाह। जी आप देखें जैन तैयार हो रहे हैं मदरसा जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? मदरसा। कितने प्यारे बच्चे हैं ना। और एक और बच्चा क्या मेरा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम शाइम जनाब। चाय मैंने चढ़ा दी है और ये देखिए चाय पीते हैं हम। और ये तो आपको पता ही है कि मेरा गोश्त बॉयल हो रहा है, पीते हैं चाय। और जी चाय मैंने निकाल ली है और चाय में आज नाश्ते में मेरे पास पापे और केक, क्योंकि पराठा खाने का मेरा भी मूड नहीं हो रहा और लगान का भी नहीं हो रहा। और करते हैं जल्दी जल्दी से, करते हैं जल्दी जल्दी से नाश्ता। नाश्ते से हो गए हैं हम फ्री, ठीक है। और यार ये लाइट वालों को क्या परेशानी हो गई है, ना मीरपुर में लाइट थी ना कराची में लाइट है, समस्त वायर हो गया मेरे को। और जी चलते हैं कढ़ाई बनाते हैं। और आप लोग कह रहे होंगे आज मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी खाना बना रही हूँ, आज है फलान की दादी की बरसी, तो मैंने बोला कि चलो तो फलान की दादी की बरसी है तो मैंने बोला चलो है ना कढ़ाई बना लेते हैं, असर में मम्मा खाना भेजेंगी तो उसी के साथ खाना ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए मैं फटाफट कढ़ाई बनाने खड़ी हो गई ताकि असर तक रेडी हो जाए। आपको पता है बीफ गलने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना, फिर भी मैंने सुबह जल्दी चढ़ा दिया था, 1 बजे चढ़ा दिया था, तो अब तो अधगला हो गया है, मतलब 50% हाफ 50% जो है वो डन हो गया है। और अब कुछ मसाले में भी उसको डन करेंगे, तो चलिए चलते हैं बनाते हैं अपनी कढ़ाई। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ठीक है। और अपना फ्लेम को हम करते हैं ऑन। अब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना गोश्त डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे और टमाटर की मैंने प्यूरी कर ली है, फिर वो डालेंगे। दिखाते हैं सब कुछ आपको। और ये मैंने गोश्त डाल दिया ऑयल में, अब इसको लहसुन अदरक डाल के हम फ्राई करते हैं। तो मैंने आपको कढ़ाई की रेसिपी शेयर की हुई है और बादाम का मेरा भी जो चाह रहा था वही कढ़ा काली मिर्चों वाली कढ़ाई खाने का, तो मैं वही वाली बना रही हूँ। अगर कुछ स्टेप मिस हो जाए तो आप लोग अगर बनाना हो तो मेरी रेसिपी जाके ब्लॉग में फॉलो कर लीजिएगा। लहसुन डाल दिया है और अब इसको थोड़ा भूनेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे टमाटर की प्यूरी और मैंने काली मिर्चें जीरा और दालचीनी को जो है वो रोस्ट कर लिया है, अब हम इसे कूटेंगे और एंड में डालेंगे। टमाटर की प्यूरी और हरी मिर्च डाल दिया है मैंने, ठीक है। और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि टमाटर के साथ अच्छी तरह इसका फ्लेवर आ जाए। हल्की आंच कर दी हमने और फिर हम इसको 10-15 मिनट बाद चेक करेंगे। यार बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने तो बाल को कर लिया कवर। और जब तक मेरी कढ़ाई रेडी हो रही है दिखाती हूँ मैं आपको, देखें आप, ठीक है। और हम इसको बाद में देखेंगे। और जब तक हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी शीर कोरमा बना लेते हैं, थोड़ा सा शीर कोरमा बना लेते हैं और हाँ अपने ससुराली स्टाइल में, मेरे ससुराल में ना इसको दूध सिवैयाँ कहते हैं। मैंने दूध को पाउडर वाले मैंने मिल्क लिया है लीडो, उसको मैंने घोल लिया है। मेरी मम्मा जो है वो सिवैयाँ फ्राई करती हैं, वो फ्राई करके डालती हैं और हमारे यहाँ फ्राई करके नहीं डालते, कच्ची डालते हैं। तो दूध जब बहुत अच्छे से पक जाएगा ना फिर डालेंगे हम इसमें सिवैयाँ। उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें क्रीम डालें, उसमें कंडेंस मिल्क डालें। कंडेंस मिल्क डालेंगे तो हम शुगर जो है वो कम डालेंगे, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, तो इस वजह से अब आपकी मर्ज़ी है इसमें जो कुछ डालना चाहें। और पर डालेंगे तब जब ये ठंडी हो जाएगी, वरना गर्म में बेकार। ये देखें मैंने काली मिर्चें जीरा धनिया ले लिया है, अब हम इसको कूटते हैं। अच्छी तरह कूटेंगे फिर हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा मोटा मोटा होना चाहिए, फ्लेवर अच्छा आता है ना कढ़ाई में।
देखें जरा थोड़ा हो गया है, अभी थोड़ा सा हम और करेंगे। और जी ये हो गया है रेडी, ये देखिए। करें हम जी चेक करते हैं अपनी कढ़ाई को। और यार ये जो मेरे दाना है ना, इसने मेरा बहुत काम खराब करा हुआ है। और जी कढ़ाई मेरी हो गई है रेडी, और ये देखिएगा दूध सेवैयाँ भी रेडी हैं। अब इसमें ऊपर गार्निश करेंगे जब हम उनका खाना भेजेंगे सर के टाइम। बनाते हैं अपनी रोटी। खूबसूरत रोटी, ऐसी रोटी मुझे अच्छी लगती है। जैसे कि नमाज के बाद भेज देते हैं खाना और मैंने निकाल दिया है, और अब भेजते हैं आसिम के साथ मस्जिद। देखते हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, फैज़ान की दादी के, और आज उनकी बरसी है जी। पीते हैं अपनी चाय शाम की, शाम से मतलब मगरिब के बाद की चाय होती है ये मेरी, और उसके साथ क्या खाएंगे हम, ग्लूकोज जी। हमें लगी थोड़ी सी भूख तो मैं और आसिम गए और हम लेकर आए चाट, और मैं और फिर खा रहे हैं हम चाट। कुछ थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी तो कहा चलो यही खा लेते हैं। चाय खा ली हमने और नमाज भी पढ़ ली हमने, और अब चढ़ा दी है अपनी चाय, और चीज़ ना आपको एक बात बताऊं कि मुझे भी अपनी मम्मा की तरह जो है ना वो शौक हो गया है, और मैंने लगा ली है मशीन, ये देखिए। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो मैंने कहा लाओ मैं धो लेती हूँ, मशीन लगा लेती हूँ, तो मैंने लगा ली फौरन। पहले हम जो है ना वो वाइट कपड़े डाल देते हैं ताकि जिसमें कलर ना हो। सिर्फ ये शर्ट मैंने इसलिए डाली है क्योंकि ये और कलर्स के साथ डालूँगी तो फिर इसकी कलर ख़राब हो जाएगा। और जी जनाब कपड़े मेरे धुल गए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें ठीक है। और ये सेकंड लास्ट राउंड चल रहा है मेरा, इसके बाद मैं अपना पायदान डालूँगी और वेल मैं फ्री हो जाऊँगी, फ्री। फिर जब भूख लगेगी तब खाना खा लेंगे, खाना तो बना हुआ है बीफ की कढ़ाई। वाकई मुझे बहुत मज़ा आया कपड़े धोने में, मम्मा मुझे अच्छा शौक लगा के गई हैं, और मैंने कहा चलो दो तीन राउंड के भाई दो, मज़ा आया। कपड़े वाली आंटी को मुझे लग रहा है कि मुझे हटाना ही पड़ेगा अगर ज़्यादा चस्के लग गए तो। कल आई थी, कल नहीं आज ही आई थी आंटी, तो मैंने कहा आप नेक्स्ट वीक से आ जाइएगा, मतलब कि पहली तारीख से आ जाइएगा, पर अगर ऐसे ही मुझे मज़ा आ गया ना तो मैं तो छुट्टी, मैं खुद धो लूँगी कपड़े। एक कपड़े मेरे धुल गए और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो मैंने खाना निकाल लिया है कढ़ाई, और मम्मा ने नीचे बिरयानी बनाई थी वो भेजी है, और हमने खाई है कढ़ाई रोटी ज़यान सैलेड और शीरकुरमा। चल चले भाई खाते हैं खाना फटाफट से, क्योंकि तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। और मैं खा रही हूँ ओले खाना खाने के बाद, और मकई ये बची है, ये छोड़ी है जयान ने और फिदान ने, इतनी सारी मकई में इतने सारे ओलों में ये छोड़ा गया।
अम्मा मैं मकाई नहीं खाई, पापा ने खाई आधी थैली तो। जनाब खाना वाना बिल्कुल खा लिया है और बिल्कुल फ्री हो गए हम, ठीक है। और इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करते हैं एक अच्छी बात के साथ, जिसके साथ भलाई जाता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। ये तो बिल्कुल सच है कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे को अपने से करीब करना चाहता है तो उसे आजमाइश देता है और ताकि वो उसके करीब चला जाए। तो जी आप लोग भी अमल करिएगा, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आप सबको भी तौफीक दे। और जी इसी के साथ एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।